टू हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे हॉर्सेस का। तो चलिए अब बुलाते हैं अपने पहले हॉर्स को, जो है मोहित गुलाटी। और अब बुलाते हैं हॉर्सेस टेबल के सबसे सीनियर और दमदार हॉर्स को, महावीर प्रताप शर्मा। वेलकम करते हैं हमारे अगले हॉर्स संजय मेहता। बुलाते हैं अपने अगले हॉर्स को, जो खास करके नजर रखती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर। बुलाते हैं अंकिता वशिष्ठ को। चलिए और अब पारी है हमारे अगले हॉर्स की। लेट्स वेलकम आरती गुप्ता। और अब मिलते हैं उनसे, जो न सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के आइडियाज में लगाएंगे अपने मेंटोरशिप का पंच, बल्कि उनकी पंच लाइंस में भी है बहुत दम। प्लीज वेलकम बिजनेस गुरु, मेंटोर एंड गाइड, बड़ा बिजनेस के सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। Are you really ready? आइडिया वो होता है जो कि फ्यूचर के बारे में सोचता है या तैयारी करता है। तो सवाल ये है कि फ्यूचर की तैयारी सिर्फ आइडियाज में ही क्यों, एजुकेशन में क्यों नहीं? यही जिम्मा दरअसल उठाया है हमारे स्टार्टअप फाउंडर सावन कुमार ने। सो लेट्स वेलकम सावन कुमार। नमस्ते हॉर्सेस, माय नेम इज सावन सानंदिया, आई एम 29 इयर्स ओल्ड। वैसे मेरी स्टडीज और बॉर्न एंड ब्रॉट अप आई वाज इन मुंबई, बट आई बिलोंग टू द सिटी कॉल्ड मोरबी, छोटा सा टीयर 3 टाउन है गुजरात में। एंड आई एम अ टीचर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। बेसिकली व्हाट वी डू इज कि सर, हम लोग स्कूल्स के साथ टाइप करते हैं, स्कूल्स के एग्जिस्टिंग कंप्यूटर लैब को यूज़ करके बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। सबसे हमारा मेजर USP है, दैट इज़ प्राइस पॉइंट। B2C मार्केट में 35,000 जैसा कॉस्ट चल रहा है। हम लोग हमारे कोर्सेज 1500 पर स्टूडेंट फॉर द होल ईयर से लेके 4500 पर स्टूडेंट फॉर द होल ईयर के रेंज में हम लोग स्कूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, बच्चे बैचेस में सीखते हैं तो उससे बच्चों को फ़ायदा होता है, बिकॉज दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। सो अभी तक हम लोगों ने 11 स्कूल्स ऑनबोर्ड किए हैं, उसमें से लास्ट ईयर का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 5.5 लाख है, बट इस साल का रेवेन्यू है 62 लाख। 11 स्कूल्स के साथ हमारे MOUs साइन हुए हैं। बिसाइड्स दैट, हमारे पास और 10 स्कूल्स के LOIs साइंड है। वी आर टारगेटिंग कि ये साल हम 1 crore का तक का रेवेन्यू अचीव करें। सो एक स्कूल को क्या फिक्स करते हैं, पर स्टूडेंट करते हैं, व्हाट्स पर स्टूडेंट होता है सर? 1500 रुपीस पर स्टूडेंट का हमारा लोएस्ट प्राइस है। आपको क्या मिलता है, कितना पैसा बचता है वो बताइए। पर स्टूडेंट पर क्लास बच्चे हमें 50 रुपीस पे कर रहे हैं, मोटा मोटा अगर पकड़े तो 50 रुपीस पे कर रहे हैं। एक स्कूल के अंदर मिनिमम 10 कंप्यूटर होते हैं, तो अगर 10 कंप्यूटर्स का हिसाब किया जाए तो 500 रुपीस हमें पर लेक्चर मिल रहा है। वी पे टीचर अराउंड बिटवीन 100 to 150 रुपीस, और अगर उसमें हम लोग ऐड भी कर दें 100 रुपीस ऑपरेशनल कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट भी, फिर स्टिल वी विल बी प्रॉफिटेबल सर। सो आपने जो 60 लाख का रेवेन्यू किया उसमें आपने 30 लाख रुपए कमाए? नहीं, 50% नहीं है सर, 25% नेट प्रॉफिट, बिकॉज दूसरे अदर कॉस्ट, बिकॉज सैलरीज वगैरह है वो सब अगर आपने 12 लाख रुपए कमाए। 12 लाख रुपए, 65 लाख से आप 1 crore करना चाहते हैं, करेक्ट? वो उसको अचीव करने के लिए आपको टीम चाहिए और आप दोनों नहीं करते? नहीं, वो ये जो पैसा तो आप 10 crore करना चाह रहे हो, वो तो टीम चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए। तो आप फिर 1 crore क्यों बोले थे अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, 1 crore ये ईयर का टारगेट है ऐसा बोल रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर के लिए फंड अगले साल रेस करेंगे। नहीं, फंड अभी रेस कर रहे हैं सर, बेसिकली इसी साल का होना पड़ेगा ना। बेसिकली गेटिंग फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। अपनी का नाम सुना है, bubble.io, no code कंपनी है। करेक्ट, फ्यूचर इज ऑल अबाउट नो कोड, राइट? देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कोडिंग व्हिच इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, सो पीपल नीड टू लर्न ओनली द वर्क फ्लो एंड द लॉजिक्स। अच्छा, कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए? सर, आवर आस्क इज 1.5 crore फॉर 10% डायल्यूशन। क्यों चाहिए सर? टीम बिल्डिंग ही करनी है, टीम बिल्डिंग सेल्स के लिए, बिकॉज स्केल अप करना है सर।
नहीं, टीम बिल्डिंग सेल्स के लिए या टीचर्स के लिए? सब है सर, सब है, सिर्फ सेल्स नहीं है। डिवाइड करके बताओ, टीम ऑनबोर्डिंग के लिए कितने पैसे हैं और सर्विस ऑपरेशंस के लिए कितने? 1.5 CR में से सर मेजर अमाउंट जो है 50% अमाउंट वो सेल्स टीम के लिए जाएगा, उसमें 30% अमाउंट है जो वो टीचर्स एंड करिकुलम बिल्डर्स जो है उनके लिए जाएगा, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से कुछ पार्ट जाएगा मार्केटिंग के लिए और बाकी अदर एक्सपेंसेस। आप नो कोड का रिस्क समझ रहे हैं? नो कोड प्लेटफॉर्म समझ गया सर, लेकिन मैं एक इस पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर दीवार नहीं बनाना है तो भी पता होना चाहिए कि दीवार बनती कैसे, मतलब अगर नो कोड भी करना है तो उसका एक आइडिया होना चाहिए बेसिक कि कोड कैसे होता है, तभी जाके आप उतना तो सबको लॉजिक और वर्क फ्लो में आ ही जाता है। इन फ्यूचर इज ऑल नो कोड। वो आप जो कह रहे ना, बट हम ये थोड़ी ना कि हर एक बच्चे को लेकर ईटा और सीमेंट लगाकर सिखाएंगे कि दीवार कैसे बन रही है। सबको आइडिया होना चाहिए कि ईट और उससे करनी है, पर अगर आर्किटेक्ट नहीं बनना फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी प्रैक्टिस तो नहीं करना जरूरी है हर एक बच्चे को। यू आर नॉट परसीविंग अ रिस्क ऑफ नो कोड एनवायरनमेंट सर, फ्यूचर इज ऑल नो कोड। आज भी आप टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में जाएंगे, ये तो हम मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो सर ये कंपनी है वो कंपनी है सब सिखा रहे हैं, वो हम मेजर सिटीज की बात कर रहे हैं। We are targeting tier 2, tier 3 town. अब मेरा सुनी नहीं रहे, you are not listening. You are not ready. I'm saying future is no code. ये technology will be obsolete in the future. There are companies which are building no code platform for every basic applications. You just click, click, click and things are getting done. आपने अपनी बात रखी और हमारे horses ने भी इस बात को सुना। Dr. Bindra, जो कि आपको पता ही है, startup guru हैं, mentor हैं, जरा उनसे भी कुछ आशीर्वाद ले लीजिए, गुरु ज्ञान ले लीजिए। Dr. Bindra, प्लीज आइए। हाँ जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपको बधाई सावन और समीर, गुजराती हैं आप, कोडिंग है एक इम्पॉर्टेंट स्किल, बच्चों में जागरूक रखना पड़ेगा उसको लर्न करने का थ्रिल। ये लर्न करने का थ्रिल जब तक रहेगा, एंगेजमेंट रहेगा, बात बनेगी, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गुजराती कहता है जीवन में का एक मोटू करवू छे, आपने मोटू करने का बड़ा एक लीन तरीका निकाला, B2B2C मॉडल आपका मुझे अच्छा लगा। जैसा कि आपको कुछ ऑब्जेक्शन देखने को मिला है कि फ्यूचर विल बी नो कोड, तो आपको अपने करिकुलम को अपडेट करते रहना पड़ेगा। कोडिंग फॉर नो कोड जैसे कई नए करिकुलम्स भी ऐड करते रहने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट फिर भी रहने वाली है। आपका मुझे उत्तर अच्छा लगा कि दीवार नहीं रहनी है, उसके लिए भी दीवार क्या होती है वो जानना जरूरी है। 85,000 वेकेंट रोल्स रहे हैं अभी फिलहाल कोडर्स के लिए, जो कि वो अवेलेबल नहीं रहे हैं। आपके महावीर जी के प्रश्न पे आपने उत्तर दिया, मुझे लग रहा था कि आप शायद टेक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आपके उत्तर में मुझे नहीं दिखाई पड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट सुझाव, जैसे आप स्केल करेंगे, एक्विजिशन ऑफ टीचर, रिटेंशन ऑफ टीचर आपके लिए तकलीफ होने वाली है। नया टीचर लाना भी मुश्किल है, फिर टीचर कई बार इन्वेंटरी की तरह बिहेव करता है, और अगर टीचर आपको कम पड़ रहा है तो उसका रिटेंशन मुश्किल होता है। इसीलिए जब होगा क्वालिटी टीचर्स का साथ, स्कूल नहीं छोड़ेगा आपका हाथ। टीयर टू टीयर थ्री में आपके लिए संभावना हमेशा ज्यादा है, और मैं देखना चाहूंगा कि स्कूल आपको छोड़ के ना जाए, चर्न ऑफ स्कूल्स मेरे लिए KPI है। फाइनली, हर स्टार्टअप यहाँ आता है मन में लेके एक आशा, देखते हैं हॉर्सेस को पसंद आती है आपके कोड्स की भाषा। क्या बात, क्या बात। तो क्या हमारे हॉर्सेस को वाकई कोड की इनकी भाषा समझ में आ रही है? मेरे को आ रही है, और मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मेरी एक कंपनी है ई शिक्षा, 7 साल से कंपनी है, स्कूल की फीस इकट्ठी करती है, 7 साल से कर रही है, कुछ हजार, 4-5 हजार स्कूल ऑलरेडी एनरोल्ड है, स्कूल ऑनबोर्डिंग उसके थ्रू करेंगे। इन्वेस्टमेंट मैं चाहे इंडिविजुअल करूंगा चाहे उस कंपनी के थ्रू करूंगा। आपकी जो 50% कॉस्ट और जो मार्केटिंग की 20% कॉस्ट है वो जीरो, वो कंपनी वहन करेगी, और स्कूल में दरवाजे आपके लिए वो खुलेगी। मैं दूंगा आपको 50 लाख रुपए फॉर ऑपरेशन एंड हायरिंग पीपल, ताकि जब वो ऑनबोर्ड हो तो वो ऑनलाइन पढ़ाने वाला या ऑफलाइन पढ़ाने वाला मिल जाए। और वैल्यूएशन दूंगा 4 करोड़, बिकॉज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 3-4 हजार स्कूल लेके आ रहा हूं और 50 लाख रुपए साथ में दे रहा हूं, चाहे इंडिविजुअली दूंगा चाहे उस कंपनी के थ्रू दूंगा, ठीक है, डिसीजन आपका। व्हाट मावी इज ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड दिस पर्टिकुलर 4-5 thousand स्कूल डायरेक्ट एक्सेस, डोंट यू थिंक दैट चेंजेस द ट्रैजेक्टरी फॉर देम? इट विल, बट आईडिया हियर इज विल दिस इवन लास्ट, बिकॉज उनका करिकुलम इज बेस्ड ऑन कोडिंग। द वे आई एम सीइंग अक्रॉस, फ्यूचर इज गोइंग टू बी ओके, कैन आई रन अक्रॉस WooCommerce, कैन आई यूज Wix, राइट? सो एवरी प्लेटफॉर्म लाइक बबल, कैन आई यूज दैट? You know, everything is going to be on a platform driven rather than a coding. Offline schools are competing with online classes on all video platforms. They have to be relevant. So whether they do coding today or Wix tomorrow or no coding, they have to continue to hold their students, not to go on online classes. Dr. Bindra, please आइए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमारे startups को दीजिए। सावन, समीर,
अब आपके मन में ये प्रश्न है कि क्या किया जाए। आप मुझसे यहाँ गाइडेंस लेने आना चाहते थे तो मैं आज रोक करके बोला है कि मैं पब्लिकली बताना चाहता हूँ। दो लाइनों में आपको उत्तर देता हूँ। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। मुसाफिर जब स्टार्टअप शुरू किया था, कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज इन्वेस्टर की तलाश में हूँ। अब उत्तर क्या है? आपको उत्तर तो मिला नहीं। उत्तर यह है कि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है महावीर जी, और आपने मिलके बनाना है। ये बहुत अमेजिंग डील है। मेरे को लगता है समीर जी, सावन जी, इस प्रकार का जो कंट्रीब्यूशन है ये केवल पैसे का नहीं है। इसको बोलते हैं स्मार्ट कैपिटल, नहीं, इसको बोलते हैं स्मार्टेस्ट कैपिटल। फटाफट जाकर के हाथ पकड़ लीजिए इससे पहले कि वो अपने मन को बदल लें। बाकी यथा इच्छसी तथा करूं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक दो स्टेज वाली डील बताऊंगा आपको। ओके। स्टेज वन, आप आरती के सारे स्कूल्स में जाएंगे और पिच करेंगे। डेफिनेटली। अगर आपने वो पार कर लिया तो मैं महावीर की डील में एंट्री करता हूँ। Okay. जो भी टर्म महावीर मेरे को जितना भी स्प्लिट आप दे देंगे, 50 लाख का 10 देंगे, 15 देंगे, 20 देंगे, तो फिर हम भी उसी डील में। अगर अगर मैं चाहूंगा तो अगर वो मैं बिना वैलिडेशन अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम स्कूल निकाल देंगे वापस। तो मैं कुछ एडवाइजरी लेके फिर इनको डील दूं, फिर हम हायर वैल्यूएशन। मुझे अगर लग रहा है डॉक्टर बिंद्रा ने जैसा कहा, देर मत करिए, हाथ पकड़ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है, बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।